इंडिया न्यूज राजस्थान के इस खास कार्यक्रम प्रेस क्लब में आपका स्वागत है। आज दिन भर सियासी उथल पुथल मची रही, जिसके कारण से पूरे प्रदेश के अंदर सरगर्मियां रही राजनीति को लेकर के। इन सब पर भी चर्चा करेंगे और इसके अलावा जो बड़ी खबरें निकल करके आ रही है इसी सियासी घटनाक्रम में, आज दिन भर बसंत पांडे जो है होटल फेयरमाउंट के बाहर रहे, वहां पर जो क्या हलचल रही, किस तरीके से नेताओं की बॉडी लैंग्वेज थी क्या, क्योंकि राजस्थान में आज इसको आज के दिन को बहुत बड़ा दिन कहा जा सकता है राजनीति के हिसाब से, वहां इनसे चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो ध्वज आ रहे हैं मेरे साथी वो आज थे, इसी सियासी हलचल से जुड़ी हुई एक और खबर निकल करके आई, जिसके अंदर आज भी आईटी की रेड जारी रही और जो अक्षय जायसवाल हैं आज वो मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी में। इस सियासी हलचल के पीछे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में क्या हुआ उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी हलचल ये रही कि जो पीसीसी चीफ जो 6 साल से संभाल रहे थे कुर्सी सचिन पायलट, उनको हटा दिया गया है। इसके अलावा जो उनके दो साथी जो बागी हो गए थे, जो रमेश मीना है विश्वेंद्र सिंह है, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, उनको मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया है। क्योंकि सियासी हलचल का सबको पता है कि कहीं ना कहीं वो अपने साथियों के साथ में मानेसर में एक रिसोर्ट के अंदर बैठे हुए थे और वहां पर सीधे तौर पर उन्होंने आला कमान से बात करने के लिए मना कर दिया और उनकी जो सीधे तौर पर जो डिमांड्स थी, जिसके अंदर साफ तौर पर वो चाह रहे थे कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, उनके चहेतों को मंत्री पद दिया जाए, उनके चहेतों को राजनीति में नियुक्तियां दिया जाए, इन सबको आला कमान ने माना नहीं। और एक जो आज विधायक दल की बैठक हुई होटल फेयरमाउंट में, उसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया, उस प्रस्ताव के माध्यम से उन तीनों को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। मतलब सचिन पायलट के दोनों पद गए, जिसके अंदर पीसीसी चीफ से भी उनको हटा दिया गया, इसके अलावा जो डिप्टी सीएम का जो पद था उनका उससे भी वो चले गए, अब केवल वो एक टॉप से एमएलए रह गए हैं। हालांकि कांग्रेस के अंदर इसने एक थोड़ी सी अभी रास्ता छोड़ रखा है, जिसमें सीधे तौर से कहा जा सकता है कि जो वहां पर बागी विधायक बैठे हुए हैं वो वापस भी आकर के अभी तक गहलोत को अपना समर्थन जता सकते हैं। कारण है उसका कि अभी तक ना तो उनका कांग्रेस से निष्कासन हुआ है ना उन लोगों को विधायक दल से हटाया गया है, यानी अभी भी जो वहां पर एक मौका सीधे तौर पर छोड़ा गया है कहीं ना कहीं, क्योंकि विधायक दल की बैठक की अगर संख्या की बात करें तो ये निकल करके आ रहा है कि विधायक दल की बैठक में 102 से ज्यादा विधायक वहां पर मौजूद थे। एक जो फिगर निकल करके आ रहा है वो आ रहा है 102 का और राजस्थान के अंदर जो मैजिक फिगर है वो 101 का है। इस कारण से अभी भी जो सियासी हलचल है वो लगातार जारी रहेगी। और एक जो बड़ी खबर निकल करके आज सियासी हलचल से रही वो थी जो प्रदेशाध्यक्ष थे सचिन पायलट, उनकी जगह पर जिनको कमान सौंपी गई है वो सौंपी गई है एक वापस से युवा चेहरा जो शेखावाटी क्षेत्र से आता है गोविंद डोटासरा को। गोविंद डोटासरा जो है तटस्थ रहे हैं, वो कहीं सीधे तौर पर उनका किसी कैंप में नाम दोनों कैंपों में लिया जाता रहा, लेकिन हद मार करके ये कह सकते हैं कि वो सीधे तौर पर अशोक गहलोत से ज्यादा जुड़े रहे हैं। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के नाते सचिन पायलट से भी उनके अच्छे संबंध थे, इसलिए बीच का रास्ता निकालते हुए पार्टी आलाकमान ने ये जो कमान सौंपी है कहीं कहीं गोविंद डोटासरा को जो सौंपने का कारण है एक बड़ा कारण ये भी है। दूसरे जो राजस्थान के अंदर एक जो जाट बहुल्य एक ये माना जाता है कि वहां से कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो इसके कारण से उनको कमान सौंपी गई। तो सबसे पहले इन सारे सियासी हलचल के बीच में बात करते हैं। बसंत पांडे आज फेयरमाउंट होटल पे मौजूद थे, सुबह से जब कैबिनेट की बैठक होने वाली थी उससे विधायक दल की बैठक होने वाली थी वहां पर मौजूद थे बसंत। वहां क्या रहा आज आपने देखा हो कि वहां नेताओं की जो बॉडी लैंग्वेज थी, क्या कंफर्ट नजर आ रहे थे विधायक दल की बैठक से पहले? देखिए हाँ, जो विधायक दल की बैठक थी वो शुरुआत में कहा गया था कि 10 या 10:15 बजे स्टार्ट होगी, लेकिन 11 बजे विधायक दल की बैठक शुरू हुई। उसके बाद लगातार जो है अंदर जो मंच लगा था, जिस तरह की जानकारी मिली, 6 बड़े नेता वहां मंच पर थे, उनका संबोधन हुआ, उद्बोधन हुआ। उसके बाद जब अविनाश पांडे ने जो बागी हुए थे उन पर कार्रवाई की बात करी तो सभी विधायकों ने दोनों हाथ उठाकर समर्थन किया और प्रस्ताव पारित भी किया। हालांकि जो सचिन पायलट है जिनके पास 2 पद थे, पीसीसी चीफ थे और उप मुख्यमंत्री थे, उनके खिलाफ और जो विश्वेंद्र सिंह थे और रमेश मीणा थे, इनको हालांकि इनके पद से हटा दिया गया है और पीसीसी का नया जो पद मिला है वो गोविंद सिंह डोटासरा। जब
तीन बड़े नेता बैठक की बात करें तो मैंने सुना है कि जो जिस तरह की खबरें निकल कर जा रही थी, सभी लोगों ने हाथ भी खड़े किए इस मामले को लेकर के, तालियां भी बजाई जब प्रस्ताव पारित हो गया। जब प्रस्ताव पारित होने के लिए जब अविनाश पांडे ने कहा तो जो विधायक थे वो अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और दोनों हाथ उठा के समर्थन दिया। तो कह सकते हैं जो जिस वक्त सीएमआर में जब बैठक हुई थी उस वक्त विक्ट्री का साइन साफ तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिखाया था और बहुमत होने की बात की गई थी। आज जिस तरह के अंदर बैठक चल रही थी उसके बाद जब रणदीप सुरजेवाला बाहर आए, अविनाश पांडे आए, अजय माकन और उनके साथ में जो नए पीसी चीफ हैं गोविंद सिंह डोटासरा वो भी आए, इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आला कमान लगातार प्रयास कर रहा था कि सचिन पायलट पार्टी में आ जाए, उनसे संपर्क साधने की कोशिश की गई थी। और आज जो विधायक दल की बैठक थी वो इसलिए भी रखी गई थी कि जो विधायक नहीं आए हैं वो आज की बैठक में शामिल हो जाए, लेकिन आज भी वो जो बाकी विधायक है वो नहीं आए। सचिन पायलट ने भी किसी तरह का बयान नहीं दिया पार्टी में बने रहने को लेकर। तो उसके बाद जो प्रस्ताव पारित हुआ उसी के चलते पीसीसी को पद से हटाया गया और गोविंद सिंह डोटासरा को रखा गया। उसके साथ साथ ही कह सकते हैं कि यूथ कांग्रेस के पद से भी जो मुकेश भाकर थे उनको हटाया गया और राकेश पाली जो सेवा जो एनएसयूआई के जो प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया जो कि सचिन पायलट खेमे से आते उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। हालांकि इस्तीफा देने के बाद जो कह सकते हैं नई घोषणाएं भी वहां पे हो गई, जो पद खाली किए थे जिनको हटाया गया था उनमें भरपाई कर दी है, लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरह का उठापटक हुई लेकिन अब जिस तरह राजभवन भी पहुंचे थे मुख्यमंत्री और साफ तौर पर कहा था कि पूर्ण बहुमत है। शुरुआत से मुख्यमंत्री साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे थे कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है, लेकिन सचिन पायलट जो कि काफी लंबे समय से जुड़े रहे थे, परिवार के सदस्य के रूप में बताए जा रहे थे, उनको लाने का प्रयास भी किया जा रहा था, लेकिन अभी भी कह सकते हैं कि आलाकमान की ओर से जो बागी विधायक है उनको एक समय और दिया गया है कि आप अभी भी पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं, पार्टी में आ सकते हैं। आज की एक सियासी खबर से जुड़ी हुई खबर के पास में भी कल भी आईटी की रेड पड़ी थी जिसके अंदर राजीव अरोड़ा, रमाकांत शर्मा, रतनकांत शर्मा जो फेयरमोंट के जुड़े हुए हैं जी, दूसरे एक धर्मेंद्र राठौड़, आज किसके छापा डाला आईटी ने? कल हमने इस पे पूरी बात की थी और पूरी तरीके से जो कल मैंने आपको बताया था कि ये जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है दिल्ली से लिखी जा रही है आईटी जो डिपार्टमेंट की आईटी की जो टीम है, एक बड़ा जो लवाजमा जो है दिल्ली से आया हुआ था, 150 के आसपास जो अधिकारी हैं सारे दिल्ली के अधिकारी थे, उन्होंने कल चार जगह यहाँ रेड डाली। उसके बाद में आज आरसी अजमेरा जो कि सिविल लाइन्स में जिनका मकान है, हाँ जी केसी अजमेरा, तो उनका वहां पर जो उनके आवास पे जो रेड डाली गई है, केसी अजमेरा जो है राजीव अरोड़ा के पार्टनर बताए जा रहे हैं और इनका जो काम है उनका बुटीक का काम है, उसके साथ साथ में उनका ज्वेलरी का भी काम है। केसी अजमेरा के जो भाई हैं वो पूरी तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी बताए जा रहे हैं, तो यहाँ भी एक रेड पड़ रही है। उसके साथ साथ में कोठारी जो ग्रुप है जो ओम टावर में भी उनकी जो है जो उनका आवास है और उसके साथ साथ में जो उनके ऑफिस है तो वहां पूरी तरीके से रेड अभी फिलहाल जारी है। तो ये कहीं ना कहीं निकल के आने वाली बात है कि जो ये स्क्रिप्ट लिखी गई थी तो इसमें अभी पिक्चर अभी बाकी है, लगातार जो है कार्रवाई अभी चल रही है। उसके साथ साथ में किस तरीके की इनकी जो अनियमितताएं आई हैं इनकी जो बुक्स में और उसके साथ साथ में जो निकल करके आए, हाँ कितनी निकल के आती है। एक जगह और थी आज कवरेज के ऊपर जिसके अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये सारी जो विधायक दल की बैठक हो गई थी उसके बाद में जो डिसीजन हो गए थे उसके बाद सीधे आए थे राजभवन, राजभवन के जब बाहर आए तो क्या उनका क्या बॉडी लैंग्वेज, क्या कुछ कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, क्या उन्होंने कहा मीडिया से उस टाइम? देखिए राजभवन से बाहर आने से पहले मुख्यमंत्री जब सीएम आवास से राजभवन जा रहे थे तो उन्होंने मीडिया के सामने हाथ हिलाया था और उसके साथ साथ में उन्होंने ये भी एक जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो कहीं ना कहीं ये कह रही थी कि कहीं ना कहीं जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो ये कह रही थी कि उनका जो साइन है विक्ट्री साइन है। उसके बाद जब वो बाहर आए तो बाहर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से लग रहा है मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने एक लंबी बाइट भी दी और एक लंबी बातचीत की और उसमें पूरी तरीके से उन्होंने बताया कि जो जिस तरीके से हालात बने उसके कारण बताए। हालांकि उन्होंने आगे का जो घटनाक्रम है उसके बारे में चर्चा नहीं की, लेकिन उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो ये बिल्कुल तय माना जा रहा है कि ये जो सरकार है राजस्थान की सरकार वो कहीं नहीं जा रही है और पूरी तरीके से जी। अच्छा बीजेपी ऑफिस में क्या रहा ये सारा जो राजनीतिक घटनाक्रम रहा, वहां पर तीन बड़े नेता बैठे हुए थे, चंद्रशेखर जी भी मौजूद थे जो पार्टी के संगठन महामंत्री हैं और सतीश पुनिया, लालचंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़, क्या कुछ निकल कर गया है, कुछ बोलेंगे कि क्या कुछ कराना चाहिए, बाकी कोई डिमांड हो उनकी सारे राजनीतिक सियासी अंचल को देखते हुए? देखिए सर, राजस्थान में जिस तरीके से जो सियासी घटनाक्रम चल रहा है वहीं आज बीजेपी ने एक अहम बैठक बीजेपी कार्यालय में यहाँ पर
बुलाते हुए नजर आए, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, उप जो नेता है राजेंद्र राठौड़ है और गुलाबचंद कटारिया है नेता प्रतिपक्ष, ये सब यहाँ पे मौजूद रहे। इसके साथ ही संगठन जो महामंत्री है चंद्रशेखर, वो भी आज इस अहम बैठक में बीजेपी में यहाँ पे दिखते हुए नजर आए। आज मंथन करना चाहिए, आज मंथन ये था कि जिस तरीके से राजस्थान का जो सियासी घटनाक्रम है उसको लेकर यहाँ पे मंथन किया गया है कि अब आगे की जो रणनीति रहेगी जो बीजेपी की, वो यहाँ पे क्या रहेगी। बीजेपी ने साफ तौर पर यहाँ पे किया है कि हम यहाँ पर कांग्रेस का फ्लोर टेस्ट करवाना चाहते हैं, तो इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि अब जो बीजेपी है जो एक्शन में आती हुई यहाँ पर राजस्थान में नजर आ रही है। वहीं दूसरी बात ये भी आ रही है कि राजस्थान की जो पूर्व मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे, उनका भी कल जयपुर आने का यहाँ पे संभावना है। उसके बाद कल एक बैठक और मानी जा रही है कि जयपुर में बीजेपी की कल बड़ी बैठक और हो सकती है, तो एक बड़ी जो कल बैठक है वो देखने वाली बात होगी कि अब जो आगे जो घटनाक्रम होगा बीजेपी का वो क्या होगा, क्या करती है बीजेपी राजस्थान। एक 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 मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा हमारे दर्शकों को कि ये जो सियासी घटनाक्रम चल रहा है राजस्थान पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है, जो जो है अलर्ट मोड में आ गई। जितने भी जो गुजर बाहुल्य इलाके हैं वहां पर तमाम जो एसपी हैं उनको खासा कहा गया है, ऑर्डर दिए गए हैं डीजीपी की तरफ से, और ये कहा गया है कि विशेष ध्यान रखें, अलर्ट रहने की जरूरत है, और तमाम जो एसपी हैं उनको ये कहा गया, उसके साथ साथ में डीजीपी खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं। सचिन पायलट को उठाए जाने के कारण से ये नाराजगी सामने आ सकती है गुर्जर समुदाय की, क्योंकि गुर्जर समुदाय के स्थापित नेताओं के अंदर से हैं सचिन पायलट। एक जो अपडेट और है वो अपडेट है कि आज कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक भी बुलाई गई है, तो माना यह जा रहा है कि राजस्थान के अंदर मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होगा, मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन होगा, उसके अंदर नए चेहरे भी शामिल हो सकते हैं, और जो अभी चेहरे हैं मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के अंदर उनमें से कुछ ड्रॉप भी हो सकते हैं। तो ये आज दिन भर का अपडेट हमने दर्शकों को दिया, फिलहाल आज के लिए इजाजत। लेकिन इससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में जो आइकॉन दिख रहा है बेल का उसको टच करें, आप सब्सक्राइब कर लेंगे और ताजा खबरें जानते रहिए। फिलहाल आज के लिए इजाजत।